Bring my image in. एक लाइन से संतोष करना पड़ेगा यहाँ पे।
पांच ओवर की समाप्ति के बाद 36 रन, पांच ओवर की समाप्ति के बाद 36 रन, समाप्ति के बाद 36 रन खेल दिया गया। जा रही है सीमा रेखा की तरफ चार रन के लिए, 46 रन की जरूरत है। और ये दूसरा भी चौका काफी अच्छी बिल्डिंग पंचायत फैसला लिया है, गेंदबाजी का फैसला लिया है यहाँ पे तनसुराई फैसला आए हैं अपनी टीम को जिताने के लिए। छक्का मारेगा या ये करेगा जीते अभी क्या कर दूसरी बार जितने चौका बिहार क्या कर रहे हैं बिहार यार, बार मजा ले रहे हैं इस मैच का। अबू धाबी के स्टेडियम दुबई की ओर अबू धाबी में
मुकेश कप्तान के रूप में अपनी टीम के लिए क्या करते हैं बॉबी बाबा आजम एज वकू वरुण अरुण बॉबी दूसरा भी चौका लगता है बढ़ाते हुए और अपनी टीम घोषणा बढ़ाते हुए अपनी टीम को निकलने वाला है दूसरा चौका। आपको क्या लग रहा है इसमें कौन सी टीम जीत के और जाएगी? अभी भी एक रन से संतोष का बढ़ाते हुए और कल्या काफी अच्छी फील्डिंग के आते हैं रन आउट हो सकते थे डायरेक्ट काफी हौसला बढ़ाते हुए यहाँ भी बसा भाई लेवर नवड़ा अपना परफॉर्मेंस रन आउट हो सकता है कहते हुए कुछ चाय धंधे की जरूरत है कौन आए हमारे पास दरबार हाथी और दर्शक मजा लेते हुए आगे मनोरंजन लेते हुए हमारे कमेंट्री बॉक्स में हमारी टीम बना के अपनी टीम के लिए पिज्जा के लिए जाने जाते हैं चाचा। कल भी हमने ऑर्डर दिया था पिज्जा का और एक रन से संतोष करना पड़ेगा दोनों एक पीस के घूमे हुए बंदे आज को सोना चाचा ने खेला है एक रन ओ पारी का ये चाचा ने खेला है रिवर्सिप रन आउट हो सकता है यार पटोला जाटका इलेवन अभी वसावा इलेवन की टीम जाटका इलेवन पे बहुत भारी पड़ रही है कुछ समझाने गए हैं कप्तान क्या पता अभी सेवर भाई आपको क्या दिख रहा है अभी इतना मैच खत्म होने के बाद लगता है अभी मैच 50-50 है यहाँ पे काफी अच्छी बैटिंग भी है यहाँ पे प्रेक्षक आए हुए हैं उनके अंदर ज्यादा खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है चार गेंद बाकी है अभी कितना बॉल बाकी चार गेंद बाकी है कल्याण चौके की जरूरत है और ये रन आउट हो सकता है और ये रन काफी अच्छी समझदारी से खेल रहे हैं बस हमारी देवाल ओ दौड़ा कई देवल को बच्ची गेंदबाजी कर दिया आते हुए
काफी मजा लेते हुए यहाँ पे बसावा की पूरी पब्लिक हर गेम पे तालियां बजाते हुए अपनी टीम प्लेयर का समर्थन देते हुए कुछ समझ नहीं पा रहे भूख लग गए चौथा और एक लाख समझदारी से हर वर्ग के सिंगल में तालियां बजाएं दिव्या चौको आगे धन्यवाद और हो चुकी है काफी अच्छी रनिंग यहाँ पे कल्याण द्वारा काफी अच्छी बात का सुनने मिल पा रहे हैं और हो सकता है कल्याण काफी अच्छी जीत गई काफी अच्छी यहाँ पे बैटिंग यहाँ पे बसावा 36 और एक रन यहाँ पे और ये गेंद सत्ता के पास हो डायरेक्ट क्लिक ये बसावा को कितने गेंदे बाकी है दो चौका आ जाएंगे रन बनाने की मिस लेकर आपके के पास से चौका आ जाएगा ए दौड़े दौड़े गेंद सात रनों की जरूरत पोटली मार के आया पोटली कोई रन जल्दबाजी की जरूरत नहीं है काफी अच्छी गेंद पांच ओवर की समय पहली मैच से प्रैक्टिस कर रहे थे सभी प्लेयर और काफी अबू धाबी के रोड पे काफी फटाखट भरा हुआ पब्लिक और ये काफी दर्शक खुश हुए सत्ते बनाते हुए खाली गए ग्राउंड भाई चलो एक खेल गए यार मोबी नंबर सही नवर अभी तक गेम ऐसा बाकी से एक सेमीफाइनल है फाइनल हेलो सेमीफाइनल काफी खचाखच भरा हुआ स्टेडियम यहाँ पे कभी ताजी पे कभी आमले पे कभी आज ही चाहे बोल रहा आज ही बोला आज ही नहीं इतने चाहे ना ओए 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 बोला आज ही नहीं इतने चाहे ना पहली गेंद डॉट ऑन कोई होल नहीं है बफर क्या पैर गए झटका इलेवन नसीब से पाकिस्तान की तरह आ गए हैं फरहाना 11 और डंसूर 11 दोनों बाहर है फुल टॉस गेंद थी खराब गेंद थी लेकिन एक रन से संतोष करना पड़ेगा वो काफी अच्छा शॉट है एक रन यहाँ पे पंचायत 11 एक रन लेते हुए ओ फिर गोडा मारा है काफी अच्छी बिल्ली सरपंच 11 काफी अच्छा खेल रहे हैं खराब गेंद चौथा काफी खराब गेंद काफी खराब गेंद ये भी खराब गेंद हो सकती थी आगे नहीं बढ़े लोग और ये गेंद जा रही है चार ओवर के लिए नवड़ा एक रन 54 रन काफी अच्छा शॉट है यहाँ पे रन आउट हो सकते हैं काफी अच्छा शॉट है आज की लाठी ओ कार्लोस ब्रैडवेट जो कि जिस तरह से स्कोर था इस तरह से स्कोर नहीं हुआ आसानी से मैच नहीं हो सकता अभी हमारे वाला नीचा हमारी पंचायत के थोड़े से टेंशन में है भी नहीं समझे Thank you.
बहुत डिस्कस कर रहे हैं। शहबाज भाई गांधी जल्दी आ जाए। शहबाज भाई गांधी एक रन ले की समाप्ति के बाद क्या रन? पांच रन। ये विकेट ले सकते हैं पंचान, ऐसे खेलने के लिए तैयार। क्या लग रहा है काफी समझदारी से खेला कोहली। के नीचे भी कर रहे हैं चीनों को तो किस तरह से हराया जाए कप्तान को गप्पर को और ये रन आउट हो सकते हैं। चौके की जरूरत है ओवर में एक काफी अच्छी फील्डिंग यहाँ पे दो बॉल यहाँ पे यहाँ पे काफी अच्छी फील्डिंग की यहाँ पे तीन रन बचाए साकिब ने काफी अच्छी फील्डिंग और ये रन आउट हो सकते हैं नहीं क्या करते हैं चचा पिज्जा खेलना चाहते हैं रन आउट हो सकते हैं या नहीं बच गए को हजार रुपया का इनाम दिया जाएगा अभी मैसेज आया हमारी के ऊपर आठ ओवर की समाप्त अभी तीन ओवर में काफी रनों की जरूरत है तीन ओवर में 37 रनों का झटका लेवा की और ये हवा में गेंद तो समझ नहीं पा रहे यहाँ भी सलीम भीला की ओर हुए चिनो ब्रदर क्या करेंगे दूसरे सेमीफाइनल में चिनो ब्रदर बैटिंग करेंगे चौका
अभी आज जो जल्दी आ भी लो ओ काफी अच्छी गेंद कार्लोस बेटी गुस्से में आए हैं बाहर गेंद चीनो वर्सेस टेटा शूट के सेमीफाइनल में बैटिंग का फैसला किया है 58 रन मारे थे लेकिन नाकामयाब रहे यहाँ पे झटका 11 सरपंच अभी बहुत खुशी हुए हैं काफी अच्छे फॉर्म में है यहाँ पे ऑनर सरपंच 11 कल के लिए खमन भी और पानी पूरी भी है अबू धाबी के स्टेडियम में खमन खमन चीनो ब्रदर्स का दावा है कि वही ट्रॉफी ले जाएंगे ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल किशन कुमार बॉलिंग करते हुए गलियां जो कि जाने क्या की तरह है हमने पहले भी कहा है गलियां फॉर्म नहीं है एक विकेट के नुकसान पे एक रन पे और ये कुछ समझ नहीं पा रही है काफी अच्छी गेंदबाजी और ये रन आउट हो सकते हैं रन आउट हो सकते हैं रन काफी अभी पी एटी खुलती हुई बाबा रिहान से सारे लेकिन काफी अच्छा सा पहली गेंद से चार रन के लिए और ये गेंद जा रही है और ये रन से संतोष करना पड़ेगा यहाँ पे एक रन है ट्रॉफी के लिए अंपायर का इशारा दे ये गेंद गलिया बाबा रिहान को बाबा रिहान बैकफुट पे खेला एक रन से संतोष करना पड़ेगा यहाँ पे और एक रन आउट हो सकते हैं और ये एक रन से संतोष करना पड़ेगा चीनो की ओर से पेजू ओ अभी स्कोर बड़ा रुका हुआ एक रन से संतोष करना पड़ेगा यहाँ पे एक रन से संतोष करना पड़ेगा यहाँ पे वो एजाज चंडीमल ओ ठीक है ना फील करते हुए लेकिन चार स्टम है भूल गए थे बॉलर इनके बाद थोड़े से टेंशन में काफी अच्छा शॉट काफी अच्छी फीलिंग रन आउट हो सकते हैं या रन आउट और ये चार रन और ये चार रन मसाइल और ये रन आउट हो सकते हैं लेकिन एक रन से संतोष करना पड़ेगा और ये चार रन एक बार चौका फाइनल मुकाबला है करो या मारो सेमीफाइनल और ये रन आउट हो सकते हैं या नहीं देखते ओवर की जरूरत है वसावा इलेवन को रन आउट हो सकते हैं डिफेंस में खेला कोई रन नहीं एक वापसी के लिए और ये गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ तो ये काफी अच्छी फील्डिंग यहाँ पे बाबू द्वारा और कैचे डोनर है काफी अच्छी फील्डिंग ये ओवर में रन मारने पड़ेंगे और ये काफी अच्छी फील्डिंग यहाँ पे बढ़िया फील्डिंग काफी अच्छी फील्डिंग बाबा ओ एक रन के संतोष करना पड़ेगा काफी अच्छा फील्डिंग यहाँ पे एक हाथ से काफी अच्छी फील्डिंग की आ चुकी है और ये रन आउट इस तक काफी अच्छी गेंद रन आउट बड़े फॉर्म में तीनों ब्रदर्स बड़े फॉर्म में भी करना पड़ेगा अपनी टीम के लिए 10 गेंदों में 10 चौके की जरूरत है 45 वाला टाइम आ चुका है जो अपने जाने माने क्रिकेटर सहदेव और ये रन आउट हो सकते हैं भाई यार
पहुंच चुके थे। चौके लगाते तब भी नहीं जीते। कप्तान के विकेट हो चुकी है। और ये रन आउट हो सकता है या नहीं देखते हैं। डायरेक्ट किक लगती है हवा में गेंद और या और ये गेंद आउट। 30 रन 5 विकेट पारी का ये पांचवा ओवर। और हर प्रेक्षक को इनका कुछ समझ नहीं पाए। साहिल झुके ये भी डिविलियर्स की तरह खेलते हैं। चुके दो गेंद खेलने के बाद ठीक है बाद 32 रन 6 विकेट के नुकसान पे। डिप्टी सरपंच के बेटे बाबा रेहन का भी फॉर्म में है। सामने वाली टीम को हम बता दें बाबा का जिस तरह से खेल पारी का ये छठा ओवर 6 विकेट के नुकसान पे। सारा कुछ कहा नहीं जा सकता कुछ कहा नहीं जा सकता। वो फैसला क्रिकेट अधिष्ठाओं का खेल है। काफी आराम आराम से खेलो। सातवा झटका यहाँ पे खराब किया गया। चौका मिलना चाहिए रन आउट हो सकते हैं या नहीं। काफी अच्छी गेंदबाजी फवाद और ये एक रन हो सकता है या रन आउट देखते हैं। एक रन अच्छी गेंद कुछ समझ नहीं पाए। काफी अच्छी गेंद एक रन पर स्कोर हुआ है और ये गेंद जा रही है। रन आउट हो सकते हैं या नहीं रन आउट हो सकते हैं। 6 ओवर में काफी अच्छा लग रहा है। सात गेंदों में एक रन आए इस पर अभी भी रुका हुआ कुछ समझ नहीं पा रहे। और ये आठवां विकेट क्या लगता है नहीं है। और ये छक्का 10 गेंदों में 6 ओवर में 43 रन थे। उसके बाद हमने समझा कि करीबन 55 की ओर जाएगा 55 साइड की ओर। लेकिन फॉरेस्टर 4 गेंद हो चुकी है कभी कोई रन नहीं दिया ऐसा लगता है। एक मिनट अच्छी गेंद 2 ओवर में कोई रन नहीं बनाए सरपंच 11 ने। और ये अच्छी फील्डिंग यहाँ पे अच्छी ट्राई लेकिन डायरेक्ट एक। बाबा काफी फॉर्म में है फील्डिंग में बॉलिंग में बैटिंग में। चिनो ब्रदर्स को जीतने के लिए 46 रन चाहिए मेहनत करनी पड़ेगी। पहली गेंद कोई रन नहीं कुछ कहा नहीं जा सकता। चिनो ब्रदर्स की एक विकेट गिरती हुई काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं कोई रन नहीं तब भी मैच जीत सकती है सामने वाली टीम। और ये काफी अच्छी फीलिंग है गेंद जा रही है 4 रन के लिए। और ये वाली गेंद क्रिस काफी नामों की बहुत साथ आती हुई हमारे कमेंट्री बॉक्स में चुकी है। पंचायत को विकेट लेना है तो बाबा की विकेट लेनी पड़ेगी। और ये रन आउट हो सकते हैं या नहीं देखते हैं। नहीं और काफी समझदारी से खेला है एक रन जो आज का इनकी ओर से है जो अपने स्वाद यार बाउंड्री के अंदर ना हिम्मत लिया ना बाकी ने चौका ना कर सला कस वगैरह रखी बोल
देखो अभी मैच गेंदों में खराब गेंद, खराब गेंद और ये चौका, चौका 12 गेंदों में 5 रन। चीनो ब्रदर्स अभी पूरी तरह से 12 गेंदें बाकी है और ये छक्का फिनिश करना चाहेंगे चीनो ब्रदर्स। लास्ट ओवर तक मैच नहीं लेके जाएंगे ऐसा लगता है जो कि और ये रन आउट हो सकता है या नहीं देखते हैं। 4 रनों पंचायत इलेवन पावर काफी खचाखच भरा हुआ अबू धाबी मलेरिया का स्टेडियम। काफी अच्छा शॉट गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ, काफी अच्छी गेंद नदी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। काफी अच्छा का माहौल यहाँ भी ટુર્નામેન્ટ હતી મને એવી આશા ના હતી કે આખી હાઈ ટુર્નામેન્ટ થશે પણ મને એવું થયું કે મારે જવું જ નહીં પડે મારે જવાનું હતું બે ત્રણ જગ્યાએ ફાઇનલ પતાવીને જ ઓવર લખાઈ દઈશું દીકરીઓ નજીરભાઈ વલીભાઈ બાબાજીયા ગામના નવયુવાનો આદિવાસી ભાઈઓ મિત્રો આ ગ્રામ પંચાયત ગરેલિયા જિલ્લા હજી દૂધવાલા સરપંચ બની ત્યાર પછી આ ગામનો દિવસે ને દિવસે એક વિકાસ તો ઠીક છે પણ સામાજિક આર્થિક અને એક યુવા વર્ગને પ્રોત્સાહિત કરવાનો જે પ્રયાસ છે એ બદલ હું ગ્રામ પંચાયત ગરેલિયાનો થેન્ક્સ આપું છું કે અગ્રેસર છે તો એ ભરેલા ગામને ગૌરવ છે કે એક 26મી જાન્યુઆરીને એક અજબ બીજી રીતે ઉજવવાનું કે યુવા વર્ગને પ્રોત્સાહિત કરીને એને આગળ કરીને એક અનોખો પ્રયાસ કર્યો એ બદલ આ ગામના નવયુવાનો આયોજકો યુવક મંડળ અને પંચાયત સ્ટાફનો હું આભાર માનું છું અને આ ગામને જ્યારે પણ દરેક પ્રવૃત્તિમાં મને બોલાવે છે અમને પ્રોત્સાહિત તરફથી જરૂરત હોય તો હું ઇન્શાલ્લાહ તૈયાર છું પણ આ ગામ હું મારું પ્રવૃત્તિ ગામ પણ પહેલેથી આ ગામનો સ્કૂલમાંથી લઈને બધી બાબતમાં
મને ઇન્ટરેસ્ટ છે અને આ ગામનો વિકાસ થાય એના પાસે જોવા માટે કે ગામના યુવાનોનો હજુ ઉદ્ધાર થાય અને મને એટલી ખબર છે કે મારી સાથે રમતા આ નવા ફેમિલી કે આ બધા બધા છોકરાઓ પણ આટલું સારું રમે એ હું બહુ ખુશ છું અને આ જગ્યા પર આવીને અમને બધા જૂના પ્લેયરોની કે જે વિદેશમાં છે ઇકરામ છે જમીન છે બધાની યાદ પણ થાય છે એટલે આ એક એવો મોકો છે કે જ્યાં ગેટ ટુગેધર ક્રિકેટ તો ઠીક છે પણ ત્રીસ ટુગેધર બહુ સારું કહેવાય એટલે હવે પછી પણ કોઈ પણ જ્યારે પણ આવી તો જન્મ રાખો ત્યારે મને આમંત્ર આપજો મારો હું તો મને વલગોડા ચેરિટેબલમાં આજે મારી મિટિંગ છે તો હું નથી જઈ શકતો સ્વાગત કરીશું. હવે આજની મેન ઓફ ધ મેચ છે ફાઇનલની કે બાબા રેહાન ભૂલેગા નહીં તો કેસે ચાલે મોહિન ચાલો ઓકે હવે જે લોકો આ જોઈ લે છે મેન ઓફ ધ સિરીઝમાં કોણ હશે ભાઈ કાન આપશે બાબા રેહાન ને રનર સામના કેપ્ટન ને નબળો વિનંતી કે થોડા આગળ આવી જાય તો મને ખબર પડે કે કોણ કેપ્ટન છે મોબી નકુ ને ટ્રોફી આપશે નફીસા બેન ને સલમા બેન આપણા રખાકોળ માસ્ટર યુકે થી આવેલા છે તે રનર્સ અપ ની ટ્રોફી આપશે તઈથી આપી હોય તો તઈથી ના આગળથી આપી હોય તો આગળથી આપી દો સલમા બેન બે શબ્દો બોલાશે ભાઈ તમારી શું છે તમે કેવી રીતે હારી શકા જયારે તમને સ્કોર તમે કેટલો થયો હતો ટોસ જીતીને ડાવ લીધો ત્યાં
अरे मिनट तीन ना कैप्टन थोड़ा बड़ा आई जाए विनर ट्रॉफी रूपल इनाम पर से इंडिया 1000 विनर रनर्स अपने आपवामां आवशे ते बाकी रहेशे मारी पाहेथी लेवाना ते आजे मेसेज आवे छे मारा खाता में पैसा आवी गया के नथी पण मारे तमने आपवाना ए तो विनर छे बाकी ना ट्रॉफी है जो ट्रॉफी बधुं हुं बोलुं छुं जाय ना एनुं इंटरव्यू ने पछी केस आपवाना छे एटले हुं इंटरव्यू लेश पैसा कोने पासे छे આભાર માનુ છું ₹1,51,000 આપણે હરેલી ટીમ ના કેપ્ટન આવી જાય તો લઈ જાય મારી પાસે મેં સરપંચ ને ચેલેન્જ આપેલી જરા ટુર્નામેન્ટ કીધું મેં તો ટ્રોફી માં નામ પર લખી દો ત્યાં પછી આપણા જે પેલા ઓફિસર છે અમલવાન આઈ ગયા મેડમ એમને મેં અપીલ પર કીધેલું કે ટ્રોફી પર મારું નામ લખી દો તો પછી મંડી ખાય આવો મંડી ઉડાય મંડી ઉડાય ટીકા ઉડાય દો હવે વિનર રનર્સ આપના કેપ્ટન આવી જાય મોબીલ ₹1,000 લે જાઓ આ તો અતુલ આપણ મેં તૈયારી કરાઈ દીધી છે વિનરનું બધું આ તમે પણ ટીકા જોડા ઉડાઈ લો અરે જે કોઈ બે શબ્દ જોડા ટુર્નામેન્ટ વિશે તો કોઈ કહી શકે છે અને તમારું શું કહેવું છે પઠાણ વિશે આ પ્રોગ્રામ તો સારો થઈ ગયો અને બધું કોઈનું ખેંચ્યું નથી બહુ સારું લાગ્યું હા અંતાયને ખાસ ભૂમિકા ઇરફાન પાવાને જુને ગણપુરને પણ આપણે સ્વાગત કરીશું અને ભૂલી ગયેલા અમ્પાયર માટે તો છેલ્લે તેઓને અમ્પાયર આ સકીન ટ્રસ્ટીનો હું છે હા સકીન એક વાર છે બંને ટીમના કેપ્ટનને આ છે રનર્સ છે વિનર ટીમનું પણ સ્વાગત કરીએ તાજી હતી કેપ્ટન મહિના બે મહિના રહી વાર રાખો તો સારું રહેશે મને આજે સારું લાગે છે બસ ટાઈમ રાખો ને બધા મહેનત રાખ્યું તો એક બને એક થાય છે બધા જવાનો નમ્ર વિનંતી છે આ ટુર્નામેન્ટ વધી ગઈ પછી આ ગામ પર બધું ઉઠાવવાનું છે કે જ્યાં હાથ આપ્યો તમારો સરકાર તો બધું સામાન સહિત પહોંચી જાય
भूख लगी थी।